I just don't understand this. सीधी सी बात है, कोर्ट को समझ क्यों नहीं आ रही है? ये सारे accusations completely baseless. Amlin एक legitimate company. इतना आसान नहीं है ऋषभ. इंटरनेशनल कोर्ट में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि आपका इन्वेस्टर रोजवेल आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है. अरे पर उसके स्टेक्स डिस्प्यूटेड है ना, और अब तो मैंने रोजवेल के 10 करोड़ भी वापस कर दिए. But that's not enough. Let's see judge क्या कहते हैं. Amlin Limited आतंकवादी स्लीपर सेल्स की मदद कर रही है. इस बात का संकेत इस कोर्ट को मिला है. Amlin Limited की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए. और जब तक जांच होती है तब तक Amlin Limited के सारे ऑपरेशंस और बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाए. मम्मी पापा भाई बहन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसको इन्फॉर्म करना कर दो, अगले कुछ दिन तक Amlin का हेड ऑफिस हमारा घर होगा. साले सब मिले हुए हो तुम, कितने पैसे मिले सब करने के लिए? सर अंदर जाना तेरे को. सर क्या कर रहे हैं? सर जाने दीजिए, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ. प्लीज सॉरी सर के भी मैं चल गया. नहीं यार सतीश, सोसाइटी में कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, लोगों को वही देखना है जो वो देखना चाहते हैं. सर समझने की कोशिश कीजिए, बात भी कर. जस्ट लीव मी. रोजवेल से 10 करोड़ 4 इंस्टॉलमेंट्स में आए, 2.5 करोड़ ईच. कब? एक सेकंड सर, लगभग 5 साल पहले. फिर 2 साल पहले ये पता चला कि रोजवेल टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व्ड है. रोजवेल वॉज शॉट और उसके कुछ टाइम बाद उनके स्टेक्स लिक्विडेट करने के लिए Amlin ने एक सूट फाइल किया सर. चोर की दाढ़ी में तिनका. Amlin का बिजनेस किस चीज का? सर पिछले 7 साल से Amlin ज्यादातर रिसाइकल वेस्ट सेक्टर में इन्वॉल्व है सर. हाल ही में इसने ये सड़क के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एंट्री मारी है. अ परफेक्ट डिकॉय. यस सर. उषा जी, हाउ इज द बिजनेस डूइंग? सर एवरी ईयर दे आर बुकिंग प्रॉफिट. हम सॉरी सर, लेकिन टेक्निकली किसी इलीगल एक्टिविटी को फंड करने के लिए मुझे फंड गायब करने पड़ेंगे ना. हाँ, डमी खर्चा बढ़ाओ, लॉस दिखाओ. लेकिन ये तो प्रॉफिट दिखा रहे. सर आपकी टीम को मेरी काबिलियत पे शक है. शक नहीं सर, लेकिन क्यूरियोसिटी जरूर है कि एक मनी टेरर फंडिंग कंपनी प्रॉफिट्स क्यों बुक कर रहे हैं.